Hey everyone, this is the most awaiting video and today I want to share with you few of the important tips. Hey so guys, do not skip. I hope you are doing well, studies are going good. So आजकल जो भी मैं मेनली रिवीजन मोड पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे सब्जेक्ट वाइज मेरे पास जो So this was the today's video's highlight. So do not skip and watch the whole video, how I have started my day and everything. So this is early morning. I have started my day and today I had a good sleep. Generally otherwise मैं 4 to 5 hours सो पाती हूँ. So today 6.5 hours I have taken the sleep. उसके बाद freshen up होके नहा धो के then it is the breakfast time. So because my baby really loves it a lot, तो baby के लिए सबसे पहले फिर ब्रेकफास्ट बना के फ्रूट सैलड बनाया उसके लिए और उसके बाद आज स्कूल नहीं गई है वो, सो शी हैज़ टेकन लस्सी. तो उसके बाद शी इन्जॉयड इट. मम्मा के पास ही रहना है बिकॉज वो जनरल होता है तो ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट सेशन आई टेकन दैट आई विल टेक इट फॉरवर्ड, बट उनको नहीं जाना है, मम्मा के पास ही रहना है पूरा टाइम. तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें. अब तो मैं बॉदर भी नहीं होती हूँ, क्या करूँ, मतलब सारी चीज़ें खुद ही करनी है. सो दिस इज़ फर्स्ट सेशन आई हैव स्टार्टेड दैट इज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सारा जो भी स्टैटिक पोर्शन है आपको उसको अच्छे से कवर करना है और उसके बाद जो भी करंट अफेयर PT 365 है इकोनॉमी की वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ साइमल्टेनियसली. जब मैं स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं PT 365 को लेके स्टडी करती हूँ और उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो उसको कवर कर रही हूँ. तो जब इंडियन इकोनॉमी में जितने भी लॉरेंज कर्व है, गिफिन गुड्स कॉन्सेप्ट है और उसके अलावा GDP, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बिकॉज रिसेंटली RBI हैज़ चेंज द रेपो रेट, सो वो भी इम्पॉर्टेंट है एंड दिस टाइम इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था रेपो रेट से, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होते इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट हमेशा आने चाहिए इसमें. वही मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही थी कि कुछ जो भी पॉइंट्स हैं करंट अपडेट्स में, तो जो अपडेट्स को देखते हुए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं और उसी के हिसाब से जो भी कर्व में चेंजेस हैं और क्या क्या किससे रिलेटेड टॉपिक्स में जो भी वीडियोस वगैरह देख के मैंने कंप्लीट किया है. तो जब ये सेशन मोर देन 2 hours आई हैव टेकन दिस सेशन, सो होल सेशन हैज़ कम्प्लीटेड और उसके बाद जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी करनी होती है तो पता ही नहीं चलता ये सारे चीज़ें. और इसी में बुक में मार्क किया हुआ है बिकॉज नोट्स मैंने अलग से बनाए हुए हैं, पर जो भी चीज़ें होती हैं कि एक एक टॉपिक को टिक मार्क करते जाते हैं हम लोग और उसी में ही जो भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर से रिलेटेड वो मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, ईयर लिखती हूँ उसका और रिलेटेड न्यूज़ है. बेबी अगेन केम, उनको नहीं जाना वहाँ से. और अब वो होता है ना कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू कार्व आउट द टाइम फॉर माई स्टडीज़. बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं होता कि स्टडी भी देखना है और बेबी को भी देखना, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी रहती हैं. ऑल्दो यू एंड योर लाइफ पार्टनर इज़ स्टेइंग टुगेदर एंड देन योर किड, तो आपको सारी चीज़ें खुद से ही मैनेज करनी होती हैं. तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है. स्टिल आई एम ट्राइंग, दिन में अगर मुझे जैसे कम टाइम मिल पाता है बिकॉज बेबी को भी टाइम देना है और बाकी सारे काम भी करने हैं, लंच बनाना, डिनर बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद टीवी एक्स है, कुछ भी स्नैक्स चाहिए बिकॉज बच्चे को टाइम बाय टाइम भूख लगती रहती है. सो इट वॉज द होल फर्स्ट सेशन. नाउ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैं ग्रीन टी लेती हूँ, सो दिस इज़ द ग्रीन टी टाइम. और ये टाइमिंग होती है कि 11:30 के टाइम पे अगर आपको एक बार, बिकॉज अगर आप ब्रेकफास्ट कर चुके हो और आपको एक फ्रूट ले लिया आपने तो उसके 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी ले सकते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मैं एटलीस्ट 2 times in a day तो लेती हूँ, कभी कभी 3 times in a day भी हो जाती है ग्रीन टी एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड यू कैन टेक इट सम स्नैक्स ऑल्सो. सो ये मखाना था, बेबी को खाना था तो मैंने भी थोड़ा सा अपने लिए निकाल लिया. नाउ दिस इज़ द सेकेंड सेशन वेयर आई हैव स्टार्टेड मैप. तो मैप का जो रिविजन था, इम्पॉर्टेंट जो भी प्लेसेस हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, वो सारे देखना, चाहे वो पासेस हों, रिवर्स हों और
वर्ल्ड वाले जो मैप में हैं उसमें इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से मिनरल्स और ये सारे एक्सकेवेट हुआ है. सो दिस वॉज द होल सेशन फॉर 2 आवर्स. देन इट इज़ द इवनिंग टी टाइम एंड दैट हैज टेकन. उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो कि मैप में अभी कवर करनी है. तो मैं जो स्टिकी नोट्स हैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, जिससे जो भी पॉइंटर्स होते हैं मैं वहाँ पे लिखती रहती हूँ. तो बिकॉज मैप में काफ़ी सारी चीज़ें फिल करना और उसके बाद ये मैंने जो भी प्रिंट आउट लिया हुआ है कुछ नोट्स का, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कवर करनी होती हैं वो कंप्लीट करती हूँ. उसके बाद पॉइंटर्स बना के वहाँ वहीं पे मैं लिख लेती हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है. जैसे रिवर्स हैं, मेन रिवर्स, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखना, और कहाँ पे डेल्टा है, पेनिनसुलर प्लेटूज कहाँ कहाँ पे हैं वो देखना पूरा अच्छे से. उसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि जो इंडिया के मैप में बहुत सारे जितने भी वाटरफॉल्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं. उसके अलावा ऑक्सबो लेक वगैरह जो भी न्यूज़ में जितने भी करंट में टॉपिक्स होते हैं वो उसमें से लिखना. तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे जब आप कंप्लीट करने लगोगे टॉपिक बाय टॉपिक, बिकॉज आपको एक एक टॉपिक लेके चलना पड़ेगा. जैसे वाटरफॉल है, रिवर है, और कहाँ पे जो भी टाइप्स ऑफ सॉइल है, भाबर खादर और बांगर, तो ये सारी चीज़ें आपको ईजीली याद करने मेमोराइज करने में ईजी हो जाएंगी. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, तो मैप इस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ फॉर इकोलॉजी सेक्शन, इन्वायरमेंट सेक्शन एंड ज्योग्राफी सेक्शन ऑल्सो. सो दिस वॉज लाइक फ्यू दैट इज़ द मोटिवेशन थिंग दैट लर्निंग हिस्ट्री सो ईजी बट मेकिंग हिस्ट्री सो डिफ़िकल्ट. इसीलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक वर्क हार्ड. सो ये सारा इवनिंग हो गई थी. सो दैट वॉज द प्रिपरेशन ऑफ द डिनर. उसके बाद जो भी रेडी किया, बेबी को मिल्क पिलाना, उसके बाद बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सारी कंप्लीट करना. अगेन आई सेट फॉर द सेशन एंड जो भी कुछ कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे मेरे, तो मैप को ही मैंने कवर किया और जो भी चीज़ें थी उसको मैं लिख लिख के देख रही हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर में तो वो सारे कंप्लीट करना. वो सारे कंप्लीट करके और फिर मैं जो है नेक्स्ट सेशन में अपडेट करूँगी. तो वंस आई हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, तो थोड़ा सा टाइम, बिकॉज बेबी को संभालना भी बहुत मुश्किल होता है. मैं सच में आपको बता रही हूँ कि काफ़ी सारा टाइम कार्व्ड आउट करके बेबी को देना होता है, क्योंकि बेबी के नीड्स, कभी दूध चाहिए, कभी खाना चाहिए, हर दो डेढ़ घंटे में कुछ ना कुछ स्नैक्स भी चाहिए, फिर थोड़ा पढ़ाना, रेडी करना, स्कूल भेजना, फिर डिनर प्रिपेयर करना, ब्रेकफास्ट, बहुत बहुत कुछ होता है. सो ये सारी चीज़ें करने के बाद माय बेबी वाज नॉट रेडी टू स्लीप एंड आई हैव हैंडेड हर ओवर टू हर फादर. अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर एटलीस्ट कुछ टाइम स्टडी कर लेती हूँ, बिकॉज आज मैं बहुत लेट नाइट स्टडी नहीं कर पाई हूँ. तो ये अप्रॉक्सीमेट जो भी था 2 घंटे में स्टडी एटलीस्ट कर सकती हूँ, तो यही मेरा प्लानिंग था कि 2 घंटे स्टडी कर लेती हूँ जो भी रिवीजन के लिए कुछ टॉपिक्स हैं. सो ये मैंने लीफलेट बनाई हुई है यहाँ पे, तो उसको जैसे फंडामेंटल राइट के लिए प्रॉपर 10-12 पेज में जो भी सारी चीज़ें लिख सकते हैं. उसके अलावा सिमिलरली चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो और पार्लियामेंट हो, ये सारी चीज़ें मैंने उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट की हुई हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ लाइक लास्ट डे, मैं बहुत ज़्यादा लेट नाइट स्टडी नहीं कर पाई थी. सो मैं अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ आज और फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया है मैंने. ये पॉलिटी का जो मेरा रिविजन बचा हुआ था उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज. सो दिस इज़ द बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें बार बार भूलना, तो उसी को रिवीजन जितना ज़्यादा हम रिवाइज़ करेंगे उसको ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं अपने माइंड में. तो वही मेरी कोशिश है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कैसे मैनेज करूँ मैं, लेकिन जो भी टाइम है उसी में ही मैनेज करना है. And that is the thing that sometimes if I am not able to complete my target of studies, तो मैं कोशिश करती हूँ कि लेट नाइट स्टडी करूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह सॉल्व करना. सो दिस इज़ द थर्ड सेशन, जो भी
सो ये अनदर सेशन, आज मैं पहले सबसे पहले ये कंप्लीट करके जो भी रिवीजन था मेरा उसको कंप्लीट करके जो टॉपिक्स थे और उसके बाद मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी पॉइंटर्स हैं ये मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ तो इसको जस्ट रिवाइज़ कर रही हूँ। बीच में कभी बेबी को कुछ चाहिए होता है, कुछ चाहिए, कभी मम्मा वाटर चाहिए, कभी कुछ खाने के लिए चाहिए, सो काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है इस बीच में। तो मैं ये पॉइंटर्स बनाती हूँ कि कुछ भी लग रहा है कि मैं ज़्यादा भूल रही हूँ तो मैं उसको दोबारा से लिख के उसको फिर से उसके नोट्स बनाने की कोशिश करती हूँ। और जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उस पर मैं लिख लेती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पंचायत राज से हो, क्योंकि पंचायत पॉलिटी के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। और उसके अलावा जैसे फंडामेंटल राइट और प्रीएम्बल है, उसके अलावा आपने इमरजेंसी पढ़ा होगा पार्लियामेंट में, जो भी सेशंस हैं सेशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं हमेशा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन मोड एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन द रिवीजन मोड, थिंग्स आर गोइंग गुड, बट जिस तरीके से मैं चाहती हूँ फिर भी उतना मैं, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद और ज़्यादा करना चाहिए, बट टाइम मेरे पास इतना क्रंच होता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ें करना। सो मैंने स्टार्ट किया, सोच रही थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाती हूँ, तो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मेरे पास रखा हुआ था। सो आई वाज थिंकिंग टू सर्च आउट फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू दैट, जो भी इसके फैक्ट्स वगैरह थे। मैंने कुछ कुछ सॉफ्ट कॉपी में भी मैं बनाती हूँ कुछ नोट्स अपने, तो वो ही मैं बनाए हुए थे, वही मैं चेक कर रही थी। सो उसके बाद जो भी टाइम निकला तो इट वाज अगेन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जो कि मैं ग्रीन टी लेती हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपको अगर हेल्दी रहना है, मेरा क्योंकि कंटिन्यूसली सिटिंग की वजह से और बहुत फिज़िकल एक्टिविटी ना करने की वजह से मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया था, तो ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी फेस करनी पड़ रही थी। नाउ बैक टू स्टडी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, मृणाल सर की बुक है, सो 24 ईयर्स के क्वेश्चन हैं इसमें, तो वो मैं जो सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सो जैसे ज्योग्राफी के लिए अलग सेपरेट क्वेश्चन है, ये मैं पॉलिटी के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो एक प्लेलिस्ट मैंने 35 क्वेश्चंस की ऑलरेडी अपलोड की हुई है, यू कैन गो एंड चेक दैट ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा रहता है जब आप इसको सॉल्व करते हो, दैट इज़ रियली रियली गुड व्हाइल यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। क्योंकि ये सारे जो बहुत वीडियोस आप देख रहे हो, लेकिन उससे बेटर है कि आप कितना क्विकली रिवाइज़ कर रहे हो, कितनी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस वगैरह की फॉर्म में अगर आपको कोई भी वीडियो अवेलेबल है तो दैट इज़ मोर प्रोडक्टिव। सो दैट इज़ माय मेन मोटिव टू अपलोड दैट लेक्चर आल्सो। और ये एक सेशन कंप्लीट करने के बाद देन लेट्स सी के और क्या चीज़ें रिवाइज़ कर सकती हूँ मैं। तो इट वॉज क्वालिटी सेशन, ये मैंने कंप्लीट किया है जस्ट। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं विच आई वांट टू शेयर विद यू, सो लेट्स जंप इनटू दैट। सो ये बेबी को बिल्कुल भी
नहीं हटना है वहाँ से। और यही चीज़ें होती हैं कि जब आप कंसंट्रेशन से कोई चीज़ कर रहे होते हो तो उसके बाद आती है मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, आप इग्नोर भी नहीं कर सकते बिकॉज़ वो आपकी मजबूरी है जिस टाइम में से, क्योंकि ये डिसीज़न आपका है, बट इसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। इसीलिए बस लगता है कि चीज़ें थोड़ा मैनेज हों, टाइम से सारी चीज़ें हो पाएँ। इसीलिए होता है कि कभी अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ मैं, कभी लेट नाइट स्टडी करती हूँ अगर, बिकॉज़ अगर 3-4 बजे आप सो रहे हो तो 7-8 बजे से पहले उठना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो रूटीन होता है मैं लेट नाइट स्टडी ही करती हूँ, बिकॉज़ उस टाइम पर बेबी भी सो रही होती है और उसको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ उसको सुलाने के लिए भी अलग से टाइम देना पड़ता है। तो यही पूरा डेली रूटीन ऐसे ही निकल जाता है और रिवीजन भी इसी टाइप से चल रहा है। तो कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर, गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टडीज आर गोइंग गुड। सो आजकल जो भी मैं मेनली रिवीजन मोड पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे सब्जेक्ट वाइज मेरे पास जो 24 ईयर्स की है, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी 2020 में, तो उसके अलावा जितने भी 2019, 20 और 21 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैंने प्रिंट आउट ले लिया था, तो वो मैं उसे सॉल्व करूँगी। बिकॉज कैटेगराइज जो मृणाल सर की बुक है वो कैटेगराइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, जो मैंने दिखाई मिली उसे सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बिकॉज कैटेगराइजेशन दिया हुआ है इसमें सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हैं। करंट अफेयर के तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पैटर्न पता होने चाहिए कि किस टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके अलावा आपको स्टेट पीसीएस का अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपको घटना चक्र ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी के लिए तो घटना चक्र बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, लेकिन अगर स्टेट पीसीएस के लिए आप फोकस कर रहे हो तो घटना चक्र इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज मैंने उसमें काफ़ी कुछ सब्जेक्ट कवर किए हैं। तो क्योंकि 6-7 मंथ हो गए हैं मुझे घटना चक्र खरीदे हुए, तो वो आप ही कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा ये जो मृणाल सर वाली बुक है ये आप परचेज कर सकते हो, दिस इज़ रियली वेरी गुड, जिसमें कि मैंने 35 क्वेश्चंस कवर किए हैं ऑलरेडी, और ये 35 क्वेश्चंस और हैं जो गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, 37 क्वेश्चंस हैं, तो वो भी मैं दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूँगी और उसका सल्यूशनिंग भी मैंने दिखाया था। सो वो आपको रिवीजन मोड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, 20 मिनट की वीडियो है तो अगर आप डबल की स्पीड में देखोगे तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो अगर आपको, बिकॉज ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलती कि कोई भी परफेक्शन को लेके कि हाँ हर कोई परफेक्ट, बस जो एस्पिरेंट्स हैं कोई भी हो, जैसे 2-3 एक धर्मेंद्र जाकर हैं, ही हैज़ cleared prelims 3 or 4 times and he is guiding, उनका guidance बहुत अच्छा है, so मैं कभी कभी उनकी videos देखती हूँ। उसके अलावा जब भी आपको कोई भी video आप click कर रहे हो और देख रहे हो जिसमें कि आपको informative चीज़ें हैं, because आप इस time पे जितनी भी entertainment videos और इन सारी videos देखने से आप बचो, जो भी informative videos हैं, क्योंकि free time में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से और बुक में कंटिन्यूसली लगे रहने से आँखों में दर्द होने लग जाता है, तो आप एक बहुत ही अपने मोबाइल की जो लाइट है उसको डिम करके कुछ ऐसी वीडियोस भी स्क्रॉल कर सकते हो। जैसे मैंने एक 35 क्वेश्चंस की वीडियो है तो आप मुश्किल से 10-15 मिनट में उस कंप्लीट कर सकते हो उस वीडियो को, तो ये होगा कि 35 क्वेश्चंस भी कवर हो गए आपके और रिविजन भी हो गया, आपको पता भी चल गया कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो इस टाइप से क्या होगा कि हाँ आपको पता भी चलता रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बहुत सारे किसी के व्यूज़ हैं या फिर बहुत ज़्यादा हर कोई इतना, क्योंकि टीचर्स अपने अकॉर्डिंग करते हैं, बट जब एस्पिरेंट जिसको भी उसका पेन एक्चुअली पता चलता है कि एग्ज़ाम एक्चुअली किस तरीके से पैटर्न है और उसका जो एनालिसिस होता है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी में भी हेल्प करेंगी। सिमिलरली मैंने जो उसके अलावा मैंने बताया था कि आपको एटलस कैसे कवर करना है, उसके अलावा एक मैंने खान सर की एटलस मंगाई है, उसका रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगी, बिकॉज मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छे तरीके से है। ऑल दो मेरे पास ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपको 2 एटलस मैंने फिल की हुई हैं, तो एक ये है मेरे पास जो कि मैंने ये पूरी अच्छे से रंग के रखी हुई है, और एक ये है, इसमें मैं जो भी नोट्स होते हैं उसको अच्छे से फिल करती रहती हूँ और ये मेंशन करती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता रहता है कि एटलस में, क्योंकि फिल करने से ही हमें याद होगा
उससे पहले उससे जितना भी अदरवाइज बिना आप फिल नहीं करेंगे तो मेमोराइज़ नहीं होता, और रिटेंशन ही पूरा खेल है कि रिटेंशन ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी का चाहे देखो, उसके बाद आप अगर आपके पास रमेश सिंह है तो उसको अच्छे से कंप्लीट करो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बिकॉज मैंने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं मैंने आपको दिखाया भी है बहुत बार, कि आपको जो भी टॉपिक है उसको लीफलेट में आपको कवर करना है, कि उसकी एक जैसे कंप्लीट एक लीफलेट बना ली, जैसे ये जो चैप्टर है इसमें पूरा इतने पेजेस में मैंने पार्लियामेंट कवर किया है। उसके अलावा मैंने जो भी दूसरे चैप्टर्स हैं, जैसे ये लक्ष्मीकांत की बुक थी, तो हमेशा आप बुक लेके नहीं पढ़ोगे, एक सपोर्टिव बुक मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ के पास थी तो ये बुक मैं लेके आई हूँ, मुझे काफ़ी सही लगी कि इसमें कुछ कुछ जो पॉइंटर्स हैं आपको, ऑल दो ये हिंदी में है बट ये ठीक है कि हाँ चीज़ें कुछ कुछ आप इजीली समझ सकते हो। उसके अलावा जितनी भी मैंने चीज़ें कवर करी हैं ना, तो वो उसके लीफलेट बना लिए हैं मैंने। और ये जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है ना, पॉइंट वाइज ये किया हुआ है कि पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है, कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए हैं, उसमें मैंने टिक मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हो कि टिक मार्क मैंने किया हुआ है कि कौन सा कवर हो गया है कौन सा नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो भी रह जाएंगे तो वो आप इजीली कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो मैं आपको नोट्स दिखा रही थी अपने, तो वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ जिस तरीके से मैंने इसकी लीफलेट बनाई हुई है, कि डीपीएसपी जैसे इतने पेजेस में मैंने डीपीएसपी कवर किया हुआ है जो कि प्री के लिए है। मेंस की मेरी बुकलेट अलग है, बिकॉज मेंस में क्या होगा कि आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं बट उसको पॉइंटर्स में आप कैसे बना रहे हो, और प्री के लिए आपको क्या होगी कि पॉइंटर्स में बनाना है, बिकॉज मैंने पूरा पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाए हैं, जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं मैंने इसमें इस तरीके से मेंशन किए हुए हैं पूरे पॉइंटर्स वगैरह से। तो सेम चीज़ यही है, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए प्रॉपर इसमें कवर किया है, ये मैंने प्रीएम्बल से किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिकॉज फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स पिंग मी अप के तुम अपने नोट्स कैसे बना रहे हो, वो मुझे एक बार हमें एक बार बताइएगा। तो यही मेरा मोटिव था कि हाँ एक चीज़ जो चीज़ मैंने कवर की है तो वो मैं किस तरीके से कवर कर रही हूँ। उसके अलावा कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए मैं अभी वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही हैं। तो मतलब आप 10 पेज का एक लीफलेट है जो कि मैंने आपको अभी फंडामेंटल राइट का दिखाया था, अगर आप इसको पढ़ के अगर आपके 3 क्वेश्चन श्योर होते हैं तो आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है, दिस इज़ अ रियली अ गुड डील। तो सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए भी इसी तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, ज्योग्राफी के लिए आई विल गाइड यू कि किस तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं, तो आई विल अपलोड अनदर वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड, और आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड गिव लॉट्स ऑफ लव ऑन द वीडियोज़, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, और मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था, बिकॉज आई एम गेटिंग द पिंग फ्रॉम फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स। एक फ्रेंड मेरी बोलती है कि दिस इज़ रियली नाइस इनिशिएटिव यू हैव टेकन, बिकॉज उसकी बेटी जो है वो 4th क्लास में है अभी, बट ये था कि बोल रही थी कि मुझे गाइडेंस मिल रहा है इससे, कि एटलीस्ट पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से अपने बच्चे को गाइड करना है, कि अगर उसे सिविल सर्विसेज में जाना है या किसी भी फील्ड में जाना है तो हम उसको स्टार्टिंग से एक माइंडसेट क्रिएट करके रखते हैं, तो ये चीज़ें आगे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। टिल देन आप प्लीज़ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को पूरी देखिएगा, आई होप यू रियली लाइक इट एंड आई एम एडिंग द वैल्यू ऑल्सो, थैंक यू। तो ये बेबी को इवनिंग स्नैक्स चाहिए था, ब्रेड टोस्ट विद मिल्क, उसको रेडी करके दिया है, तो सोचा मैंने जब किचन में जा रही हूँ तो फिर टी ब्रेक ले लेते हैं, तो इट वाज टी ब्रेक दैट वाज अराउंड 4:30 टुडे, और जैसे ही 4 बन के तैयार हुई तो आई हैव टेकन दैट, और उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग थी फिर मैंने सोचा कि आगे के लिए क्या स्टडी प्लान है, बिकॉज़ दिन में एटलीस्ट 3-4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना और एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि फुल लेंथ टेस्ट मैं रात को ही बैठ के कर पाती हूँ, तो अभी के लिए तो मेरे पास है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रही हूँ, उसके बाद उसको सोल्यूशन देखती हूँ और उसको रिवाइज़ करती हूँ। इट वॉज़ ऑल अबाउट दिस प्रोडक्टिव 2 डेज ऑफ माई स्टडीज़, सो गिव योर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू मी, and please share and subscribe the channel, share with your friends, take care, thank you so much, bye.